हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होती है और बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी आपके किचन में अवेलेबल होंगे, तो देखते हैं रेसिपी को। सबसे पहले एक बोल को लिया है, इसमें ये दही या फिर कर्ड डाल देंगे। दही अगर थोड़ी सी खट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। मसालों में ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ये लाल मिर्च पाउडर, ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर है इसको भी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ये गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है इसको भी ऐड कर देंगे। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, ये कलर के लिए डाल रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून ये वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा ये बेसन है इसको भी ऐड कर लेंगे, और ये थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी को ऐड नहीं करना है, बस इसी तरीके से मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना रहे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये देखिए पेस्ट बन चुका है। ये 500 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसको इस तरीके पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए पीसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इनको डाल देंगे पेस्ट में। थोड़ी सी ये सब्जियां हैं जिनको मैंने कट किया है, ये हरी शिमला मिर्च, प्याज है और लाल शिमला मिर्च। लाल शिमला मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। सब्जियों को भी डाल देंगे और इस तरीके से हाथ से इसको मिक्स करेंगे जिससे कि जो पनीर के टुकड़े हैं वो टूटेंगे नहीं। इस तरीके से इसी तरीके से हल्के हाथों से कोट कर लेंगे पनीर के टुकड़ों को। ये देखिए मैंने पेस्ट के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है सब्जी को और पनीर को। अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। ये तवे पे मैंने बटर थोड़ा सा स्प्रेड किया है और इस तरीके से जो पनीर और सब्जी है उसको सेंक लेंगे। इसी तरीके से पूरे तवे पे इसको फैला लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट के बाद में इसको पलट लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो पनीर है वो टाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अच्छे से चारों तरफ से सेंक लेंगे पनीर को। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। पनीर ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको इसी तरीके से तवे पे ही छोड़ देंगे। तब तक सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा ये जीरा, ये लाल मिर्च, तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च है, हरी मिर्च इसको भी इस तरीके से कट करके डाला है, थोड़ा सा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉटे कर लेंगे चीज़ों को जिससे कि जो मसाले का फ्लेवर है वो सब्ज़ी में आ जाएगा। ये कटी हुई प्याज इसको भी भून लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे पेस्ट बना के यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप ऐसे भी बनाएंगे तो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तरीके से स्पाइसेस में ये हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये चाट मसाला, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा ये पनीर मसाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस को। थोड़ी सी ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है जिससे कि सब्ज़ी में बहुत अच्छा कलर आएगा। भून लेंगे मसालों को। देखिए मसाले भुन चुके हैं। यहाँ पर टमाटो प्यूरी को ऐड करेंगे। मैंने ये टमाटर को ग्रेट कर लिया था, आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ये नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मसालों को तब तक भूनना है जब तक कि इनसे तेल ना छूटने लग जाए। इसी तरीके से मसालों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए।
देखिए मसालों से तेल अलग आने लगा है। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखिए मसाले भुन चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जिस कंसिस्टेंसी में आप रखना चाहें, और इसको ग्रेवी को बॉईल करेंगे। इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में देखिए जो ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। इसमें जो फ्राइड पनीर था उसको ऐड कर देंगे। डाल दिया मैंने पनीर को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। इसमें जो कसूरी मेथी को ऐड किया है ना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसी तरीके से हल्के हाथ से सब्जी को चलाएंगे, और कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिए सब्जी बॉईल होने लगी है। इसको ढक के 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 8 से 10 मिनट के बाद में देखिए सब्जी का जो कलर है कितना अच्छा आया है। देखिए इसको इस तरीके से चलाएंगे, सब्ज़ी बनके एकदम तैयार है। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। थोड़ा सा ये पनीर मसाला मैंने ऐड किया है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास में है तो ऐड कीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी भी एकदम ठीक है। अभी ठंडे होने के बाद में थोड़ा सा और थिक होगी है। गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और सब्ज़ी सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए इस तरीके से आप सर्व कीजिए। आप इसको किसी भी चपाती, पराठा या नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत टेस्टी बनती है। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने इसमें जो भी यूज़ किए हैं वो ऑलरेडी आपके किचन में अवेलेबल होंगे। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको ट्राई करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।